व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना भाई लोग, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आजकल मैं आप रॉकी कैरेमिनाती हम सभी व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप का यूज कौन नहीं करना चाहता है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, चैटिंग कर लो उस पर, दोस्तों से बात कर लो। और सबसे आसान बात व्हाट्सएप में ये होती है कि यार शेयरिंग कितनी अच्छी होती है, सिर्फ पोस्ट को सिलेक्ट करो, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलो और एक के बाद कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर दो। अब चाहे वो गाना हो Bob's or Vagana, whichever will it be, set the fuck down, tease a reason, I'm here to spill the real tea. या कॉमेडी हो, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज हो, या रिलीजन से रिलेटेड चीज हो, ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो भी चीज उनके पास आती है वो सीधी सीधी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों अब होगी ये फॉरवर्डिंग बंद, लेकिन अब हम मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने सबकी नींद उड़ा के रख दी है। तो क्या किया है मद्रास हाईकोर्ट ने, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आया है डिसीजन मैसेज फॉरवर्ड करने पर व्हाट्सएप का। तो देखते रहिएगा इस वीडियो आगे तक। तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोई सा भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस मैसेज से पूरा एग्री कर रहे हैं। तो पूरा फंडा ये है कि एक तरह से आप उस मैसेज के ओनर बन गए हैं और अगर आगे जाके उस मैसेज से कुछ भी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे और आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मैसेज फॉरवर्ड करना है, ये छोटी सी स्टेप है। तो अब बात आती है कि यार मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया क्यों। तो दोस्तों एक तेलुगु तमिल रीजन से रिलेटेड एक हमारे बीजेपी लीडर है जिनका नाम शेखर जी है। तो दोस्तों हुआ ये था कि जो बीजेपी लीडर थे हमारे शेखर जी, उनके दोस्त ने उनको एक मैसेज भेजा था जो उन्होंने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया। तो फॉरवर्ड करने से वो प्रॉब्लम में क्यों पड़े, क्योंकि वो मैसेज बहुत ज़्यादा अब्यूसिव कंटेंट वाला था। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे तमिल तेलुगु नहीं आती, पर इससे रिलेटेड जो कंटेंट था वो वुमेंस के लिए, राइट्स के लिए बहुत अब्यूसिव था और ये एक बहुत क्रिटिकल कंटेंट था। तो जो मद्रास हाईकोर्ट ने उसको बहुत इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि यार एक जो सेलिब्रिटी लेवल का बंदा है तो कॉमन लोग तो उसकी यार मान ही लेंगे, जो भी वो चीज़ पास कर रहा है वो तो हर इंसान बैठा रहता है कि यार अब क्या करने वाला है ये, क्योंकि लोग बहुत बिलीव करते हैं जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उन पर। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो भी वो करते हैं वो सब लोग ट्रैक करते हैं और उन पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और उनको अभी तक बेल ग्रांट नहीं की गई है, क्योंकि उनका यही कहना है कि यार आप एक सेलिब्रिटी और अगर आप कुछ भी चीज़ बिना पढ़े फॉरवर्ड करोगे तो लोग उस पर बिलीव करके कुछ भी हंगामा खड़ा कर सकते हैं और ये चीज़ वुमेंस की राइट के लिए बहुत अगेंस्ट थी। तो अब आगे बात आती है कि उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी। तो बीजेपी लीडर का ये कहना था कि वैसे तो उनके दोस्त अच्छी चीज़ें फॉरवर्ड करते थे, बहुत पेट्रियाटिक देशभक्ति वाली चीज़ें, लेकिन इस बार शायद उनके पास गलती से ये पोस्ट आ गया और उन्होंने अनइंटेंशनली ये फॉरवर्ड कर दिया। तो दोस्तों लेकिन हमें भी ये बात ध्यान में रखना है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज आता है वो हमें बिना पढ़े फॉरवर्ड नहीं करना है। दोस्तों कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने पर जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुकी हैं। तो पहले ऐसी घटनाओं को मैं बताता हूँ, पहले मॉब लिंचिंग, दूसरी बात आती है कि यार कोई बच्चा चोर है तो उसका फ़ोटो डाल देते हैं, ये बच्चा चोर है, तो वो बेचारा पिट जाता है। और ज़्यादातर 90% केसेस में ये होता है कि यार ये सच नहीं होता और इनोसेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो हमें आगे से ध्यान रखना है कि जो भी मैसेज आए उसको अच्छे से पढ़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात किन पोस्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे पोस्ट जिन पे रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में कुछ हो, ऐसे पोस्ट जो पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, ऐसे पोस्ट जिनके ऊपर मेडिकल एडवाइस हो, ऐसे पोस्ट जो किसी की स्टेटमेंट हो, तो इन पोस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें जब भी शेयर करें उससे पहले। तो दोस्तों आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे जो हैंडल्स दिख रहे हैं आपको टेकमेट्स के, उनको फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं रेगुलरली उसको अपडेट करूँगा। और देखते रहिएगा टेकमेट्स को, लाइक कर दिए वीडियो को, शेयर कर दिए, कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली।